लगाया। एक कृतज्ञ राष्ट्र आज सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करता है, जिसके चलते पश्चिम बंगाल के पिछले 48 घंटे के हालातों पर सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख निवेदन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री राजीव कुमार को आदेश दिया कि वो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में शामिल हों और आदेश दिया कि वो पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ सीबीआई के सामने सारे दस्तावेज प्रमाण और अपने आप को प्रस्तुत करें। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल निष्पक्ष जांच के लिए कितना वेशीला है, उसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि श्री राजीव कुमार अपने आप को सीबीआई के संदर्भ में शिलांग में प्रस्तुत करें। यह भी कहना उचित होगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव कुमार के साथ यह अपेक्षा जाहिर की कि वो अपने जवाब सुप्रीम कोर्ट को दें कि उन्होंने सीबीआई की निष्पक्ष जांच में क्यों गतिरोध प्रस्तुत किया। आज पत्रकारों के माध्यम से यह समाचार आया कि कोर्ट में जब सीबीआई ने अपना केस प्रस्तुत किया तब सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से दस्तावेजों में, सबूत में छेड़छाड़ का एक प्रमाण यह भी कि कॉल रिकॉर्ड्स संदिग्ध अपराधियों के, जो सीबीआई के पास टेलीफोन कंपनीज द्वारा प्राप्त हुई थी उनमें, और जो सबूत पश्चिम बंगाल की पुलिस ने प्रस्तुत किया उनमें अंतर था। भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश की सराहना करती है, आभार व्यक्त करती है और पश्चिम बंगाल में अराजकता और गुंडागर्दी का प्रतीक बनी तृणमूल की सरकार पर जो कटाक्ष हुआ है आज इस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर, वो अपने आप में भारतीय राजनीति में इस बात को प्रतिस्थापित करता है कि दो दिन से चल रहा ममता जी का ये बनावटी प्रोटेस्ट संरक्षण है गरीबों के लुटेरों के लिए। नाउ इन इंग्लिश I would like to give my remarks. The political histrionics of Mamata Banerjee were brought to a screeching halt by the Honorable Supreme Court of India. A grateful nation watched as the Supreme Court directed the Commissioner of Police, Rajiv Ji, to present himself and faithfully cooperate with the CBI. One also needs to look at the aspect that Rajiv Ji was directed to appear before the CBI in a neutral place, that is Shillong, thereby certifying
that today there exists a state of lawlessness in the state of West Bengal. The anarchist chief minister, who intervened in the process of collection of evidence by officers, upon whose instructions officers were heckled and manhandled, detained, their families harassed, their homes surrounded. Today, the Honorable Supreme Court has directed a response from the Chief Secretary of Bengal, the Director General of Police, and the Commissioner of Police. Today, I am assured that apart from the Bharatiya Janata Party, 20 lakh poor victims of the chit fund scam will join us to convey our gratitude to the Honorable Supreme Court, which has ensured today under its orders that a free and fair investigation takes place. I will now open up the floor for questions. ममता जी ने पहली बार अपने प्रशासनिक ढांचे का दुरुपयोग करके ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की रैलीज को रोकने का प्रयास किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के कई कार्यक्रमों में गतिरोध बनने का उन्होंने पहले ही प्रयास किया है। योगी जी की रैलीज को रोकने में भी उन्होंने प्रयास किया है। शिवराज जी की रैली में भी गतिरोध बनने का उन्होंने प्रयास किया है। शाहनवाज हुसैन जी को भी रोकने का प्रयास किया गया है। लेकिन दीदी शायद ये नहीं समझ रही, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रोकने का जो प्रयास कर रही हैं, सही में वो गतिरोध लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कर रही हैं। सही मायने में आज जितना वो रोकने का प्रयास कर रही हैं, उससे ज्यादा संख्या में जनता भाजपा से जुड़ रही है, भाजपा के नेतृत्व से जुड़ रही है। इसका सबसे सुनहरा उदाहरण स्वयं प्रधानमंत्री जी की अपनी रैलीज में पूरे राष्ट्र ने देखा है। तो दीदी चाहे जितना भी रोके, बंगाल की जनता बढ़ चढ़कर भाजपा के नेतृत्व को स्वीकार रही है और समर्थन कर रही है। With an egg on her face to celebrate it as a moral victory is a dichotomy only, and that is today available in the realm of Mamata Banerjee's politics. I think the Honorable Supreme Court, while directing the Commissioner of Police to be present in a neutral place, Shillong, in itself, in all politeness, is indicating that they do not expect such fairness in the state of West Bengal. As an elected chief minister, it should be a matter for her to introspect over. It should be a matter for her for concern and not celebration. आप अगर हिंदी में पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूंगी। आज आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना कि बंगाल में स्थिति आज ऐसी है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, निष्पक्ष वातावरण में, भय से मुक्त वातावरण में सीबीआई के सामने कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रस्तुत नहीं हो सकते,
या अपने आप में एक राजनेता के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जब सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने आदेश में संकेत दे दे कि उनका राज्य उनके नेतृत्व में भय से मुक्त नहीं है, तो वो ये उत्सव का विषय मानती हैं, तो ये निंदनीय है। उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा आदेश राजनीतिक और प्रशासनिक चिंता का विषय होना चाहिए। यस, आप डायरेक्ट करेंगे बेहतर होगा। So I don't respond to hallucinations. Yes. And now that the Supreme Court has ordered Rajiv Kumar to be present before CBI, the dharna is still going on. Mamata Banerjee has said that she will ask all the opposition parties before ending the dharna. Today, Chandrababu Naidu is also going to Kolkata. How do you see this? And do you think that this dharna has become a podium for all the opposition parties to come together and attack Prime Minister? It is definitely a podium for all scamsters to converge upon. It is definitely a podium for all those who don't believe in the rule of law. It is definitely reflective of those who stand on that podium shoulder to shoulder that they support state-sponsored anarchy. It is definitely a podium which indicates to the country that any officer, true to his conduct rules, true to the constitution, who will investigate freely and without fear will meet with the arrogance of such leadership which stands on the podium with Mamata Banerjee. The fact that Supreme Court has spoken on it, I think, should suffice. Ma'am, there are documents that also my channel India has a position with which shows that this Sharda chit fund scam is also beyond the boundaries of West Bengal, which includes Assam, which includes and Odessa. Two of these places have your own government, the BJP government. Then the question is from the opposition they are raising also, that why only police commissioner of Kolkata and not other officers who are indulgent? I think that it is for the CBI to determine where the evidence is available with whom. I will only say this much, that in the process of investigation, whoever and wherever from the CBI deems fit, in that process, it will call upon them or invite them for an interrogation. To say that I need to reduce it to one person or another would be being unjust to the endeavors of officers who are committed to justice. Yes, sir. I think the CBI, while serving notice upon notice to Mr. Rajiv Kumar to present himself, never in their communication told the Commissioner of Police that they want to arrest him. What is fascinating is that in the absence of such a declaration by the CBI, why was a perturbed Mamata Banerjee hell-bent on indulging in political theatrics? That is a question that is still left unanswered. What is in the possession of Rajiv Kumar that perturbs Mamata Banerjee? That is a question yet unanswered by Mamata Banerjee. Thank you so much, ladies and gentlemen. Neeraj? धन्यवाद जी।